हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं राइस पापड़ या राइस फ्राइम्स, जिसे बनाना आसान तो है ही, साथ ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये बच्चे ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। आप देख सकते हैं तेल में डालते साथ ये फुलके दुगने हो गए हैं और इनका कलर भी एकदम वाइट है। मैं आपको एक पापड़ तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ऐसी टेस्टी क्रिस्पी राइस फ्राइम्स के लिए मैंने लिया है चावल। ये मोटे वाले चावल है, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी चावल लिया है। चावल लेकर अभी मैं इसको पानी डाल के अच्छे से वॉश करूँगी, दो तीन बार मैं इसको वॉश करूँगी। वॉश करके फिर उसके बाद इसमें मैं पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख दूँगी। ये पापड़ हम लोग चावल से बना रहे, चावल के आटे से नहीं बना रहे, और ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेंगे। अभी मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया है। इसे हम लोग तीन दिन ऐसे ही रखेंगे। मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ। दूसरे दिन चावल काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं और इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो इसे हमें वो पानी को बदल कर फिर से धो के भीगने रखना है। इस तरीके से हमें रोज़ सुबह शाम इसका पानी चेंज करना है। अगर पानी नहीं चेंज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे और इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। अब तीन दिन बाद ये चौथा दिन है, अब फिर से मैं इसका पानी बदलूंगी और चावल बहुत अच्छे से भीग गए हैं। अब मैं इसका पानी निकाल कर इसको मैं एक बार और अच्छे से वॉश की हूँ। वॉश करने के बाद अभी मैंने लिया है एक कढ़ाई। अब इसमें मैं ले रही हूँ तीन कटोरी पानी। मैंने जिस कटोरी से चावल लिया है मैं उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी ले रही हूँ। यहाँ पर आप कटोरी, ग्लास, कप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, बट मेजरमेंट यही है कि एक ग्लास या कटोरी चावल तो तीन पानी, मतलब एक कटोरी चावल है तो तीन कटोरी पानी। अब मैं इन चावल को मिक्सी के जार में डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको पानी लगे तो इस कढ़ाई में से ही थोड़ा सा पानी लेकर आप इसमें डालना। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम चिकना ग्राइंड कर लिया है। अब इस बैटर को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई में डालकर इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो पानी बॉईल करने रख कर भी ये बैटर उसमें डाल सकते हैं, पर अगर आप ऐसा करोगे तो तुरंत इसमें गुठली बन जाएंगे, इसलिए हमें ठंडे पानी में ही पहले चावल के बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई भी लम्ब्स या गुठली नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर इसे हम लोग गैस के ऊपर रख कर पकाएंगे। अभी मैंने इसको रखा है गैस के ऊपर और गैस का फ्लेम मीडियम है और इसे हमें कंटिन्यूसली मिक्स करना है, और जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम स्लो करेंगे। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया। स्लो करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इस पापड़ में पापड़ खार या सोडे का मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक टीस्पून नमक डाला है। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये सूखने के बाद नमकीन हो जाएंगे। आप चाहो तो सोडे का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये पापड़ बिना सोडा या बिना पापड़ खार डाले ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और हमें इस तरीके से नीचे से, कढ़ाई के नीचे से अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है ताकि ये कढ़ाई में लगे नहीं। अब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है, इतना पकने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगा है। अब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है, गाढ़ा हो गया, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऑफ करके मैंने इसे ढक के साइड में रख दिया। अब ये है मुरको बनाने वाला मशीन और ये है शेव बनाने वाले साँचे। यहाँ पर मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, पतला वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। पतले वाले साँचे से अगर हम बनाएंगे तो सूखने के बाद वो टूट जाएंगे, इसलिए मैंने मीडियम वाला जो साँचा होता है उसका यूज़ किया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ मुरकू बनाने वाले मशीन में। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। अब मैं इसको भर रही हूँ मुरकू की मशीन में। मशीन में भर कर इसके हम लोग पापड़ बनाएंगे। आप चाहो तो ये बैटर डालने से पहले इसको ग्रीस भी कर सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। बंद करके अब यहाँ पे पापड़ बनाने के लिए मैं एक फ्लैट वाला टोकनी यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कॉटन का कपड़ा। आप चाहो तो फ्लोर के ऊपर कपड़ा डाल के भी बना सकते हैं या पॉलीथीन शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पापड़। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, और आप चाहो तो मुरकू की शेप में भी बना सकते हैं। जो आपको पसंद है वो साइज़ और वो शेप का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सारे पापड़ बना लेंगे। ये पापड़ बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नॉर्मल जो हम लोग इंस्टेंट राइस आटे का जो बनाते हैं उसके कंपैरिजन में ये पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं, अभी मैंने सुखा रही हूँ। ये सूखने में एक दिन का टाइम लगता है, कभी कभी दो दिन भी लग सकता है।
अब ये दूसरा दिन है, पापड़ काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं और इन्हें निकालने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है और इनका शेप भी परफेक्ट है। बस इन्हें बनाते समय हमें रेशो का ध्यान रखना है, जैसे एक ग्लास चावल है तो 3 ग्लास पानी का यूज़ करना है। अभी मैं थोड़े से पापड़ निकाल के आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अभी मैंने तेल गर्म होने रख दिया, तेल जैसे गर्म हो गया मैं इसमें डाल रही हूँ पापड़। आप देख सकते हैं तेल में डालते साथ ये एकदम फुलके दुगने हो गए हैं और इनका कलर भी एकदम वाइट है और इन पापड़ों को आप 1 साल तक के स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो आप भी ये टेस्टी और आसान से राइस पापड़ ज़रूर बनाइएगा और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।